जिसे समझ कर मिट जाती है, समझ कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
जो काक भसुंडी जी है, एक बार जटायु से इनकी वार्ता हुआ। इन्होंने कहा, जटायु आपके तो पंख कट गए हैं, आप तो जा नहीं सकते, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं कौवा हुआ तो क्या हुआ, यदि मैं मनुष्य होता तो मुझे भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश प्राप्त करना होता, मैं तो उड़ कर जाऊंगा, आंगन में उतर जाऊंगा और अपने प्रभु का दर्शन कर लूंगा। तुम्हारे पास क्या है? जटायु ने कहा, हे काकभसुंडी जी, आपके पास पंख है, आप उड़कर जा सकते हो, तुम्हारे पास साधन है, मेरे पास साधना है, तुम जिसके पास जाओगे वो मेरे पास खुद चल करके आएंगे अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। ऐसे ही आपकी भक्ति हो, आपके पास साक्षात भगवान राम कथा के अंतर्गत मन में ऐसे बैठ जाए कि उनकी भक्ति से आप कभी दूर ही ना हो। काकभसुंडी जी कहते हैं, महामोह महिषेश विशाला राम कथा काली का कराना, राम कथा सस किरण समाना, सच चकोर करे देहि पाना, सुनकर दुखी अमर हो जाए, सुनकर दुखी अमर हो जाए, श्री हनुमंत कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जब यज्ञ पूरी हुई, स्नान करके याज्ञवल्क्य जी तीर्थराज प्रयाग से जाने लगे, तब भरद्वाज जी ने हाथ धोकर निवेदन किया, हे महाराज, मेरे मन में एक संशय है और कृपा करके आप मेरे उस संशय को दूर कर दीजिए। क्या जिस राम को देवाधिदेव महादेव जपते हैं और जो अयोध्या जी में जन्म लिए हैं, वो एक ही है या अलग अलग है? याज्ञवल्क्य जी बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कहा, मैं आपकी बातों को समझ गया, अब सुनो क्या बात है। सुनो तात जय कारण आयो, सो सब भयो नरस तब पायो, देख परम पावन कब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुण्य दशावन, अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुण्य दशावन, सादर तात सुदामहु मोहि, सादर तात सुदामहु मोहि, बार बार बिनवहु मैं तोहि, राम कथा जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, किस
जय जय श्री सीता।